ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। 17 मार्च को कर्नाटक से एक घटना सामने आई। एक 26 साल के लड़के को कुछ लोगों ने बुरी तरह से मारा। वो अपनी शॉप में हनुमान चालीसा की कैसेट चला रहा था। 6-7 लड़के उसकी दुकान पर आ गए। लड़के का कहना है कि वो लोग उससे हनुमान चालीसा को बंद करने के लिए कहने लगे। जब उसने उनसे पूछा इससे आपको क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि अजान का वक्त है, चुपचाप ये सब बंद करो। लड़के ने जब आनाकानी की तो उसे दुकान से बाहर निकालकर उन लोगों ने बहुत मारा। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके 2 दिन बाद यानी आज 19 मार्च को मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो हाथ में भगवा झंडे लिए हैं और धार्मिक गाने बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उस लड़के को आप सुनिए, फिर पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है, तो बोला हमारा अजंग का टाइम में सब नहीं पे प्ले करना। तो बोला अजंग का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता, मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों को मिलकर मार दिया सर, पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा तो। इनका नाम मुकेश है, उम्र 26 साल। मुकेश की कृष्णा टेलीकॉम नाम से एक मोबाइल की शॉप है। 17 मार्च की दोपहर मुकेश जब अपनी दुकान पर बैठे थे तभी उनके साथ ये घटना घटी। इसके बाद मुकेश ने हलासूरू गेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 506, 504 और 323 के तहत FIR दर्ज करवाई। FIR में सुलेमान शाहनवाज, रोहित दयानिश, तरुण नामजद हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सुलेमान शाहनवाज, रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग खुश नहीं हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कर्नाटक के सिद्दाना लेआउट के पास लोग हिंदू धार्मिक गाने बजाकर नारे लगा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन लोग किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। पहले कर्नाटक बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, फिर उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने लिखा, जब से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है बेंगलुरु में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गया है। आतंकी हमला हुआ, गोलीबारी हुई और अब कट्टरपंथी तत्वों ने एक दुकान में घुसकर उसके मालिक की पिटाई कर दी। कांग्रेस को वोट दें और उनकी तुष्टिकरण की राजनीति को झेलें। प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में बेंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य भी पहुंचे थे लेकिन इसके कुछ ही देर बाद कर्नाटक पुलिस ने तेजस्वी सूर्य को हिरासत में ले लिया। तेजस्वी सूर्य ने पुलिस के साथ जाने से पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों से वापस जाने की अपील की। तेजस्वी सूर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम इंसाफ मांग रहे हैं, इसमें राजनीति है। द होल ऑफ द इंसिडेंट इज क्रिस्टल क्लियर अवेलेबल इन सीसीटीवी फुटेज। अ यंग मैन गोइंग अबाउट हिज बिजनेस इन द प्रीमाइसेस ऑफ हिज शॉप अनप्रोवोकली वाज ड्रैग्ड आउटसाइड एंड अटैक्ड। What we are asking for is justice. This is a demand for justice. And what is the government trying to do? The government, instead of trying to give him swift justice, is trying to defend those who have perpetrated this crime only because it suits its vote bank politics. Who is doing politics here? We are asking the police to act in a professional manner, in an unbiased manner, in an impartial manner. This is our demand. What is politics in this? प्रदर्शन के दौरान मुकेश ने कहा कि संडे को हुई घटना में अगर मेरे साथ कुछ ज्यादा हो जाता तो क्या होता। संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाब दे लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोग अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात में नमाज पढ़ रहे छात्रों पर हमला कर दिया जाता है। कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने पर लोग एक व्यक्ति को उसी की दुकान से खदेड़ कर मारपीट करते हैं। पिछले कुछ वक्त में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हमने देखी सुनी। ये नफरत हमें कहाँ ले जा रही है, ये घृणा हमें कहाँ लेकर जा रही है, हमें सोचने की जरूरत है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको देते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।